तो स्मैकडाउन की व्यूवरशिप में भी डाउनफॉल आया। मीरो भी क्या कल अपना रिटर्न AEW डबल और नथिंग में करेंगे और बिग शो भी वापस से इन रिंग कॉम्पिटिशन में आएंगे AEW में कि नहीं। CM Punk ने भी कहा कि उनका WWE रन हो गया था वेस्ट। और क्या क्लैश एट द कैसल पेपरव्यू उस बार के रेसलमेनिया से भी बड़ा होने वाला है। विलियम रीगल ने भी एक इंसिडेंट बताया जब द यंग बक्स आए थे ट्राई आउट के लिए WWE में। और NJF भी कल अपीयर नहीं होंगे क्या AEW डबल और नथिंग में, क्योंकि वो आज भी एक AEW शो में नहीं आए। रैना जे भी कल क्या जीतने वाली है TBS चैंपियनशिप अगेंस्ट जेड कारगिल। रोड डॉग ने भी अपना WWE का क्रिएटिव रोल को छोड़ दिया। और भी न्यूज है, चलिए सीधा वीडियो पे चलते हैं। कल की स्मैकडाउन की व्यूवरशिप आई 1.778 मिलियन, 0.418 to 49 डेमोग्राफिक। पिछली बार से डाउनफॉल है क्योंकि May 21st को जो स्मैकडाउन हुई थी उसकी व्यूवरशिप आई 2 मिलियन और 0.418 to 49 डेमोग्राफिक और 200K से ऊपर का डाउनफॉल आया। तो देखते हैं अगले हफ्ते व्यूवरशिप कैसी आती है, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ज्यादा स्पेशली एडवर्टाइज तो हुआ नहीं। जैसे कोई बड़ा मैच हुआ था पिछले हफ्ते, यूनिफिकेशन टैग टीम चैंपियनशिप मैच, और रोमन रेंज भी आए थे, लेकिन इस हफ्ते तो रोमन रेंज नहीं आए। देखते अगले हफ्ते आते हैं रोमन रेंज के नहीं। मीरो जो बहुत टाइम से नहीं आए AEW टेलीविजन पे, वो अभी तक थे यूरोप में, लेकिन इस हफ्ते उन्होंने रिटर्न कर दिया वापस यूनाइटेड स्टेट्स में। और कल डबल और नथिंग भी है, देखते हैं कल अगर मीरो AEW के लिए आए हैं US में तो क्या कल वो अपना रिटर्न करेंगे कि वो किसी और काम के लिए आए। और AEW पेपर व्यूज में रिटर्न या डेब्यू तो कराती है किसी स्टार का। CM Punk ने भी कहा कि उनको लगता है कि जो भी उनका WWE रन हुआ इतने सालों का वो एक तरह से हुआ है वेस्ट। उन्होंने कहा उनका WWE रन में बहुत कुछ और हो सकता था और वो होना भी चाहिए था, जो भी अभी उनके पास है AEW में वही सब कुछ है। आप सबको क्या लगता है कि जो CM Punk का WWE रन हुआ था वो वेस्ट हुआ था? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि उनकी बहुत सही सही स्टोरी लाइन भी चली, जैसे समर ऑफ पंक जो सीना के अगेंस्ट था, उनकी WrestleMania 29 में अंडरटेकर के साथ भी राइवलरी चली थी, उनका WWE चैंपियनशिप रन भी जो 400+ days था, WWE के सितंबर का पेपर व्यू क्लैश एट द कैसल जिस स्टेडियम में अगर वो फुल सेल आउट होता तो उसकी 69,000 ऑडियंस होगी, अराउंड 10,000 मोर WrestleMania से। और ये भी हो सकता है कि ये लार्जेस्ट नॉन WrestleMania डेट हो पूरी हिस्ट्री ऑफ प्रो रेसलिंग में, तो बीट भी कर सकती है बहुत सारे पहले के WrestleMania को। देखते ऐसा कुछ हमें दिखता है कि नहीं सितंबर में जब होगा क्लैश एट द कैसल। और आज था AEW का फैन फेस्ट, इसमें समोआ जो भी नहीं आए और MJF भी। समोआ जो का ये रीजन सामने आया कोई कम्युनिकेशन इशू के चलते समोआ जो आज अपीयर नहीं हुए AEW के फैन फेस्ट में, और ये पूरी डिफरेंट सिचुएशन है MJF से कि वो क्यों नहीं अपीयर हुए। आप सबको पहले बताया था कि MJF को फ्रस्ट्रेशन है AEW में, और अभी तक MJF का कोई रीजन सामने नहीं आया वो क्यों अपीयर नहीं हुए। ब्रायन ने ट्विटर पे डाला इससे रिलेटेड कि जो भी कुछ चल रहा है MJF के साथ वो सिर्फ कुछ लोग को पता है और जिनको पता है वो कुछ बता नहीं रहे और बाकी सबको पता ही नहीं। और ये भी क्लू नहीं है कि वो कल के शो AEW डबल और नथिंग में भी होंगे कि नहीं। देखते हैं कल, वैसे उनका बहुत ही बड़ा मैच भी है और स्टोरी लाइन भी जिसकी बहुत ही मस्त थी MJF और वार्डलो का, देखते हैं वो कल अपीयर होते हैं कि नहीं। रोड डॉग ने भी अपना WWE का क्रिएटिव रोल को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो कीप अप नहीं कर पा रहे थे विंस मैकमैन के साथ, क्योंकि वो एक सुपर ह्यूमन वर्कर नहीं है और जो विंस मैकमैन है वो पूरी मशीन है, वो सिर्फ काम काम और काम करते हैं। और ये चीज वो अपने पे ही ले रहे हैं कि वो कीप अप नहीं कर पा रहे विंस मैकमैन से, ये उन पे नहीं डाल रहे, इसलिए उन्होंने लीव कर दिया अपना WWE का क्रिएटिव रोल। रैना जे जिनका कल मैच है जेड कारगिल के अगेंस्ट TBS चैंपियनशिप के लिए, उन्होंने कहा वो अपना सब कुछ डाल देगी कल वो जीतने के लिए वो मैच। मेरे हिसाब से जेड कारगिल तो हारेगी नहीं TBS चैंपियनशिप, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैंपियन है। आप सबको लगता है जरूर बताना। बिग शो ने भी कहा कि उनका एक और हिप ट्रांसप्लांट हुआ था इस दिसंबर में, उनकी दोनों हिप्स फेक है और दोनों टाइटेनियम हिप्स है, भी उनका फोकस है कि वो रिहैब करे और स्ट्रॉन्गर बने। उन्होंने कहा कि वो AEW में इसलिए आए थे क्योंकि वो अपनी कमेंट्री स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते थे, क्योंकि वो देखते हैं उनका फ्यूचर कमेंट्री में और उसी चीज में वो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं AEW के बिजनेस में। वो अपने आप को देखते भी नहीं कि वो चैंपियनशिप के लिए लड़े, लेकिन वो ओपन है अगर वो फिर से आए इन रिंग में कम्पीट करने के लिए AEW। और विलियम रीगल ने बताया जो उनका फर्स्ट डे था WWE में, उस टाइम ट्रिपल एच ने उन्हें कहा था कि अब तुम इंचार्ज हो, टेक केयर करोगे सारे रेसलर्स का जो हायर्ड होंगे WWE में। विलियम रीगल को पता भी नहीं था कि कौन कौन है तब उस कंपनी में। उनका फर्स्ट डे था समर स्लैम का नेक्स्ट डे, जब ट्राई आउट के लिए भी आए थे रेसलर, और वो जब ट्राई आउट की बात करते हैं वो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल लाए जाते थे हर शो में और उस ग्रुप का पार्ट भी थे यंग बग। विलियम रीगल को देखते ही पसंद आ गए थे यंग बग और उन सब ने इकट्ठे टाइम भी स्पेंड करा और कुछ इनक्रेडिबल मैचेस भी दिए द यंग बक्स ने आफ्टरनून में। उन्होंने पुट भी करा था द यूसोस वर्सेस द यंग बक्स का मैच, जिस मैच को बहुत लोग देखना भी चाहते हैं। उन्होंने कहा जब उन्होंने उनको देखा था तो उनको लगा वो 18-19 साल के, कोई WWE के तब रूल था कि वो हायर नहीं कर सकते 22 या 25 की एज से नीचे के रेसलर, इसलिए उन्होंने WWE को नहीं बोला
कि यंग बक्स को हायर करो क्योंकि उनको वो बहुत यंग लग रहे थे। लेकिन बाद में जाके जब उन्होंने और टाइम स्पेंड करा तब उनको पता चला कि द यंग बक्स ओल्डर ही है।